नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए जॉब डिटेल के साथ आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप भी जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त करें। यहाँ पे फ्रेंड्स जो वैकेंसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं वो है बेल्ट्रॉन की तरफ से निकाली गई वैकेंसी और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है ये नोटिफिकेशन। क्या ये सही है? अगर है सही तो क्या क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं? इसके बारे में पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक नोटिस देना चाहता हूं, क्योंकि दो वैकेंसियां और मैं शाम तक या कल अपलोड करने वाला हूं, और वो कौन सी वैकेंसी है पहले आपको दिखा देता हूं। एक तो वैकेंसी फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, समाहरणालय पटना की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आप 6 प्रकार के पद देख सकते हैं। और दूसरी वैकेंसी फ्रेंड्स आपको हाई कोर्ट पटना की तरफ से निकाली गई है, जिसमें 25,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी और ये है हार्डवेयर टेक्नीशियन का पोस्ट। तो बिना देर के हुए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप भी चाहते हैं जल्द से जल्द किसी सरकारी नौकरी में आप चले जाएं, सही सूचना आपको मिलता रहे समय पे, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम भी मोटिवेट होकर ऐसे ही आपको बताते रहें। और साथ में फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी नोटिफिकेशन हम लोग वहाँ पर डाल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको बताना था, तो ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। सबसे पहले क्या ये सही है गलत है? तो ये 100% फ्रेंड्स सही वैकेंसी है। और आपको पता है कि आपके चैनल पे कभी भी कुछ भी फर्जी नहीं बताया जाता है, तो 100% मैंने जब सही बोल दिया है तो ये सही है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स इसमें आपको दिख रहा होगा कि 9 प्रकार के पोस्ट हैं, जिसमें आपको चीफ अकाउंट ऑफिसर, मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर लीगल, प्रोग्राम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट या असिस्टेंट, फिर अकाउंट असिस्टेंट और स्टोर कीपर का पोस्ट है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑल्सो नोन एज बेल्ट्रॉन, अ गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द इंडियन नेशनल्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रकार के पद खाली हैं जिसके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये आपका संविदा वाला नौकरी है या परमानेंट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा, जब भी आपको किसी वैकेंसी में यहाँ पे लेवल ना दिखे, जैसे कि जॉब का लेवल होता है लेवल 1 से लेकर 13-14 तक चला जाता है, 2, 3, 4, 5, अगर वो लेवल नहीं दिख रहा है आपको, ग्रेड पे नहीं दिख रहा है, तो आप यही मान के चलिए कि ये एक फिक्स सैलरी वाली जॉब है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, यानी कि समय समय पे इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, समय के अनुसार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन खोलते हैं हम, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये कौन लोग आवेदन कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन हम लोग अच्छे से देखते हैं। इसका डेट फ्रेंड्स आपको 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 6 अक्टूबर तक इसको आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब इसमें आपको ज़्यादा बेटर समझ में आने वाला है कि क्या वैकेंसी है, कैसे है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लिखा है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि बेल्ट्रॉन, अ गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार एज अ स्टेट डेजिग्नेशन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ द IT एंड ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस बिहार इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड द स्टेट MMP ऑफिसर चैलेंजिंग करियर अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोफेशनल्स एंड इट करेंटली लुकिंग फॉर द क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन द वेरियस डिसिप्लिन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज द पर डिटेल गिवन। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पे ये किसके लिए लिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एज अ स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी SDA फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द IT एंड ई गवर्नमेंस, ठीक है। IT एंड ई गवर्नमेंस जो डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, उसके लिए संविदा के तौर पे, यानी कि परमानेंट जॉब तो नहीं रहेगी आपकी, लेकिन जो भी है अच्छी खासी है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है, तो जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होगा उनके लिए बेटर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि बेल्ट्रॉन का डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर आपका प्रोग्रामर या फिर IT बॉय स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कब आएगी, सबसे ज़्यादा बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में जहाँ पे बताया है कि जो बेल्ट्रॉन के जितने भी कर्मी हैं या फिर भविष्य में डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर और IT बॉय के लिए जो भी पोस्ट आएंगी, वो उस पर विचाराधीन अभी चल रहा है कि उसको एक परमानेंट तौर पे कर दिया जाए और बिहार SSC को सौंप दिया जाए। उसके रिगार्डिंग एक स्पेशली वीडियो में लेके आने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि बेल्ट्रॉन की भविष्य में क्या वैकेंसी अब नहीं आएगी या फिर आएगी, वो मैं आपको बताऊँगा अच्छे से समझ के। अभी फ़िलहाल इसको मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर फ्रेंड जो पहला पोस्ट है चीफ अकाउंट मैनेजर का, यहाँ पर एक सीट है। यहाँ पे अपर एज लिमिट 57 साल बताई गई है। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बताया गया कि अगर आपने CA किया हुआ है फिनांस से या फिर MBA किया हुआ है फिनांस से, CA या फिर MBA फिनांस से, या फिर ICWA किया हुआ है और 20 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो 60 से 70 हज़ार सैलरी पे आप काम करने के लिए यहाँ पे आ जाइए। मेरे ख्याल से कोई नहीं आने वाला है, अगर कोई CA है तो 60-70 हज़ार उसके लिए
बहुत ही मामूली बात है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको मैनेजर PMU, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको EWS के लिए एक पोस्ट है और UR फीमेल के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है, अगर आप BTech या फिर BSc या फिर MCA इक्विवेलेंट है, यानी कि BE या BTech किसी भी सब्जेक्ट से हैं, या फिर आपने BSc इंजीनियरिंग किया हुआ है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 60 से 70 हज़ार पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स आपको अकाउंट ऑफिसर, यहाँ पे फिर CA, ICW या MBA फाइनेंस या फिर MCOM भी हैं अगर आप, और साथ में फ्रेंड्स आपको एक्सपीरियंस है 3 साल का कम से कम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे 35 से 40 हज़ार रुपये अर्न करने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स आपको असिस्टेंट मैनेजर मैन पावर का, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो टोटल सीट है एक सीट है, 35 साल तक यहाँ पे रखा गया क्वालिफिकेशन, और MBA HR से जिनका है, MBA में अगर HR उनका डिपार्टमेंट है तो 3 साल का एक्सपीरियंस है जिनको, तो वो 30 से 40 हज़ार के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर लीगल की बात करें तो LLB फॉर AM लीगल के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो आवेदन कर सकते हैं। और इसका आवेदन आप सोच रहे होंगे तो 18 तारीख से शुरू होगा, यानी कि अभी टाइम है 2-3 दिन, तो उतना तो इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स आपको प्रोग्राम या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे 14 सीटें हैं, अच्छी खासी सीटें हैं प्रोग्राम या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हैं, UR, EWS, EBC में कितनी सीटें हैं, सभी यहाँ पे डिटेल क्लियर किया हुआ है। 35 साल तक अपर एज लिमिट रखा गया है, बाकी 3 साल का OBC को और 5 साल का SC को छूट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको BE, BTech या BSc इंजीनियरिंग या MCA इक्विवेलेंट हैं आप, तब भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपको रेवेलेंट फील्ड में, यानी अगर आप अपने इंजीनियरिंग डिग्री पे या फिर MCA है या BSc इंजीनियरिंग है उस डिग्री के अनुसार कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आप वो वाला एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, बशर्ते आपका जो है कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड और आपका PF वगैरह समय पर कटता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी की यहाँ पे ये जॉब रहने वाली है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ बताया गया है कि 7 सीटें हैं जिसमें ग्रेजुएट विथ एनी डिसिप्लिन, अगर आप सब किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक हैं, इवन आप इंजीनियरिंग भी कर लिया है आपने, तब भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ग्रेजुएट्स किसी भी सब्जेक्ट से BA, BSc, BCOM वाले, या फिर अगर किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं 20 से 25 हज़ार की सैलरी पे। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि 1 ईयर रिवेलेंट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफिस या प्रोग्राम असिस्टेंट वर्क विद द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट और NGOs, मतलब किसी भी संबंधित संस्थान जो रजिस्टर्ड संस्थान हो, सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या फिर प्राइवेट भी हो, लेकिन एक जेन्युइन संस्थान हो, वहाँ पे अगर आपने 1 साल का कार्य अनुभव ले लिया है या किसी भी प्रकार से आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट का, तो बात करें यहाँ पे 2 सीटें हैं EBC 1 और SC के लिए, तो यहाँ पे फिर अच्छी खासी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, CA इंटर है या फिर ICWA इंटर है या फिर MBA फिनांस है या MCOM है या BCOM है, MCOM BCOM वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपको 1 साल का रेवेलेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15 से 20 हज़ार सैलरी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टोर कीपर का 2 सीटें हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी सब्जेक्ट से और 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास रेवेलेंट फील्ड में, तो 15 से 20 हज़ार के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि एक्सपीरियंस विल बी एज पर द अबव मेंशन क्राइटेरिया ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी कंसीडर्ड, यानी कि अगर आपने जो क्वालिफिकेशन जो भी हासिल किया है उसके बाद का एक्सपीरियंस ही काउंट होगा, क्वालिफिकेशन से पहले वाला कोई अगर आपका है तो वो काउंट नहीं होगा। मिनिमम जो फ्रेंड्स आपका जो एज होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए, यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है, तो 21 साल के जो लोग हो गए वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट आपका जो काउंट होगा 1 अगस्त 2023 को आपका एज कम से कम जो मैंने बताया है 21 साल और अधिक से अधिक मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है वो होना चाहिए। और साथ में मैंने जो छूट आपको बताई है OBC के लिए 3 साल और SC के लिए 5 साल वो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं कितने पैसे लग जाएंगे आपको फॉर्म आवेदन करने के लिए, तो वो आप देख लीजिए। अगर आप जनरल या BC के कैंडिडेट हैं या EBC के कैंडिडेट हैं तो 1500 रुपये आपको लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। SC ST या फिर वुमेन किसी भी कैटेगरी की है, महिला अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी की हो या SC हो या ST हो या फिर दिव्यांगजन हो जो भी, उनको 375 रुपये ही लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। और ऑल अदर कैटेगरीज यानी कि बिहार के बाहर वाले किसी भी जाति की हों, किसी भी जाति के हो, बिहार से बाहर के कैंडिडेट वाले, उनको 1500 रुपया ही लगेगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ बताया गया है कि कंपनी शैल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू द रिटन टेस्ट। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा यहाँ पे,
फाइनल सिलेक्शन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द वेरियस पोस्ट विल बी थ्रू, यानी कि आपका जो फाइनल जो पोस्ट का सिलेक्टेड सिलेक्शन है वो कैसे होने वाला है। तो देखिए, चीफ अकाउंट ऑफिसर के लिए ओनली इंटरव्यू होगा, मैनेजर के लिए पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, अकाउंट ऑफिसर के लिए कंप्यूटर टेस्ट इंटरव्यू, असिस्टेंट मैनेजर के लिए कंप्यूटर टेस्ट इंटरव्यू, असिस्टेंट मैनेजर के लिए कंप्यूटर टेस्ट इंटरव्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, ऑफिस असिस्टेंट के लिए केवल आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपका केवल कंप्यूटर टेस्ट होगा और स्टोर कीपर के लिए केवल कंप्यूटर टेस्ट ही आपका होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ये जो फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन है वो 18 से शुरू होगा और आपको जो बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डाल दिया जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि अभी ऑफिशियल साइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो घबराइए मत, जॉब्स वाले भैया पे बता दिया गया ना चैनल पे, वही काफ़ी है। हमारे चैनल पे कुछ भी फर्जी कभी भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित या किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जॉब से संबंधित जो आपको जल्द से जल्द सरकारी जॉब दिला सकती है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।